बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का प्लान ये है कि पाकिस्तान के शहर टैक्सला में मौजूद धर्म राज्य का स्टूपा का विज़िट करेंगे और इस स्टूपा को द ग्रेट स्टूपा ऑफ टैक्सला भी कहा जाता है। तो व्यूअर्स, ये स्टूपा तकरीबन 3000 साल पुराना है और टैक्सला के इलाके में दरियाफ्त होने वाले स्टूपाज में सबसे बड़ा स्टूपा है। तो इन कंडरात को 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं टैक्सला में धर्मा राज्य का स्टूपा पे एक मुबशर साहब के साथ हूँ, जो कि यहाँ पे लोकल गाइड हैं। तो जी मुबशर साहब, जी सर, बताइए इस साइट के बारे में। सर, ये जो साइट आप देखने आए हैं, ये सर इनका था मैन जो मैन स्टूपा था ना, स्टूपा कहते हैं ये इबादत गाह खानगाह को, ठीक है। इसके अंदर जो बुद्धा था उसकी राख थी और उसका दान था। अभी भी सर जो इसके मानने वाले आते हैं, अच्छा, इसके चक्कर लगाते हैं 3, 5, 7 जिस तरह जिस राम लोग खाना काबा में जाते हैं आज उम्र के लिए। आईसी, और वो स्टूपा कौन सा, ये वाला है कि वो वाला है? ये वाला है, सामने वाला है सर। अच्छा, ये जो पीछे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, इस स्टूपे की बात हो रही है, इसके चक्कर लगाते हैं और ये लोग चाइना, नेपाल, थाईलैंड वगैरह से आते हैं। आईसी, तो ये इनकी खानकाहें कहलाते थे? जी सर। अच्छा, तो यहाँ बैठ के ये लोग अपना मेडिटेशन करते थे? जी सर। सर, ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं पता, इसकी जो ऊंचाई से ये कम 45 फुट और इसका जो पैरामीटर है ये कम से कम 131 फुट है इस पे ना, 131 फुट जो है बता रही है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक। और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं सीढ़ियां नुमा है। अच्छा, चारों साइडों पे ये सीढ़ियां हैं। हाँ जी, अभी भी जो आते हैं चाइना, नेपाल, थाईलैंड वगैरह से, ये लोग कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 और 7। अच्छा, अभी भी ये लोग आते हैं। आईसी, तो इन लोगों ने रेड कलर का, येलो कलर का, अभी भी ये लोग उसी तरह ना। अच्छा, और ये लोग इस पोज में इसके लिए ना। अच्छा अच्छा, तो वो क्या कहते हैं कि इसके स्टूपा के अंदर क्या है? सर, ये जो स्टूपा था इसके अंदर जो बुद्धा था उसकी जो राग थी वो मिली थी और उसका दान मिला था। और उसका दान अभी भी टैक्सला जो म्यूजियम है वहाँ पे एक छोटी सी डिबिया में अभी भी पड़ा हुआ है उसका दान। उसका दान, अच्छा वो, अच्छा अच्छा, सही सही। ये बैक साइड पे सर 75 जिस तरह ये मैन था, मैन स्टूपा इस तरह के 75 स्टूपा बने हुए हैं। जब इन लोगों की मन्नत वगैरह पूरी हो जाती, मन्नत, अच्छा, उस दौर में जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती, मन्नत के तौर पे छोटे छोटे स्टूपे बनाते, 75 अफराद की मन्नत पूरी होती। अच्छा, तो जिन जिन की मन्नत पूरी होती थी वहाँ पे स्टूपा बनाते थे, स्टूपा बना के उनके मूर्ति वगैरह लगा देते थे। अभी भी जो हमारे पास आते हैं, जो आते हैं बुद्धिस्ट, ये आप देख सकते हैं अगरबत्तियां लगी हुई है, आज से 4 से 5 दिन पहले आए थे यहाँ पे, उन्होंने तवाफ करके यहाँ पे बैठ के अभी भी उसी तरह ना ये लोग और इसके ऊपर काम होते हैं, शिफ्ट ये चीज एक चीज। तो ये बाकी उस दौर का नहीं है क्या? नहीं सर, ये ऊपर होता रहता है, काम होता रहता है ना। अच्छा अच्छा, और इस पे देखिए ना, और ये जो चीज है ये सब उस दौर की है, पुरानी है और इस पे काम हुआ है। अच्छा, ये बाद में। तो ये क्या चीज है, मतलब ये सर जो स्टूपा देख रहे हैं ये 100% पुराने हैं। यहाँ पर ये देखें सर, एलिफेंट के, मंकी सुअर के, बांदर के स्टैचू बने हुए, इन्होंने जो स्टूपा उठाया हुआ है, कहीं की फेस अभी भी सर आप देख सकते हैं। वो ये हल्का पत्थर होता है, हम इसको अपनी जुबान में बोलते हैं कंचूर, ये हाथी का, हाथी हाथी अभी
वीवर्स, इन खंडरात से 18 ऐसे बर्तन मिले थे जिनमें सोने के जेवर, मोती और कीमती पत्थर मौजूद थे। मन्नत के तौर पे ना, जिस तरह मैन स्टूप आता मंती स्टूप इनको कहते हैं, ये जो छोटे छोटे हैं इस तरह, वो आगे तक है सर। ये कितने हैं टोटल? ये कम से कम 75 है। 75, तो ये जब इनकी मन्नत पूरी होती थी तो ये लोग ये बना देते थे, तो इसके ऊपर कोई वो हो सकता है सर, इसकी इर्गिर्द यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, जो उस दौर में जिस तरह ये स्टैचू वगैरह लगे हुए कुछ के इर्गिर्द अभी भी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बैनियन ट्री कहते हैं। बैनियन ट्री, बैनियन ट्री, हम अपनी जुबान में इसको कहते हैं बोर्ड। अच्छा, आपके भी जो एरिया उसमें हो, ये उसमें है जो 75 वाई उसमें आता है। अच्छा, ये मुजस्मा अभी कौन से म्यूजियम में पड़ा? ये कहते हैं टेक्सटाइल म्यूजियम। अभी फॉरन के साथ जो गाइड आ रहे हैं वो कहते हैं इसकी ऊंचाई जो है 40 फुट, कोई कहता है 42 फुट इसकी, इसके जो पो है इसके अंदाजे से। व्यूअर्स, यहाँ से जो मुजस्मे मिले थे वो इस वक्त टेक्सला, लंदन और पेरिस के म्यूजियम्स में मौजूद हैं। ये सर एक छोटा सा पानी का तालाब लाने के लिए इस्तेमाल करते थे, ये कुछ ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई, कुछ ऊपर से वहाँ से जो खराब हो जाती चीज़ अपना मूर्ति हुआ, दाल माँ चूना मिट्टी ये पानी के अंदर मिक्स करके इनको करते थे, ठीक करते थे। फिर ये जो दो दो तालाब से हैं जी सर। अच्छा, इसमें वो कपड़े धोते थे? जी, कपड़े धोते थे, और साथ ही इनके मतलब रहन सहन के कमरे थे ये वाले। और ये जो सर छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं ये वाले ना, ये जिस तरह स्कूल टाइप मदरसा टाइप ये इनका था, जिसको मतलब कहते थे मतलब यूनिवर्सिटी एरिया कहते थे ना। अच्छा, यहाँ कपड़े धोते थे ना, ये छोटे छोटे कम से कम 10 से 15 कमरे थे इसके लिए ना। अच्छा जी, ये क्या चीज है? ये सर आटा पीसने वाली, कोई जिस तरह हम लोग घरों में चक्की वगैरह, ये ऊपर भी सारे पार्ट पड़ा हुआ है, कुछ वो पीछे भी पड़ा हुआ है ना। अच्छा, ये वाली सर, यहाँ से ये पड़ा हुआ, देखे ना पीछे भी। व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि ये आसार कदीमा बुद्धा की हड्डियों के आसार के लिए ज्यादा मशहूर है, और 1916 में यहाँ से बुद्धा की 2 हड्डियाँ 1 महीने के लिए श्रीलंका नुमाइश के लिए भिजवाई गई थी, जिसने 9.3 मिलियन विजिटर्स को अट्रैक्ट किया था। Thank you.